हाय फ्रेंड्स, मैं आज बना रही हूँ दल पिट्ठा, जिस मेरे वहाँ यूपी में बोलते हैं फारा। ये चावल का आटा मैंने गूंथ लिया है और ये देखिए मैंने एक ट्रिप रख भी दिया है। तो मैं आपको इसका लोई आसान बताती हूँ, ठीक है। बहुत लोग इसको ना लोई बनाने के चक्कर में दिक्कत होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बनता है। ये मैंने एक लोई लिया, इस पर मैंने ऑयल लगा लिया है, ठीक है। तो इसे बहुत लोग हाथ लेते हैं, बहुत लोग बेलन से करते हैं, ठीक है। ये चोखा मिक्स करने वाला है। मैं इसको ऐसे 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 कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए बेस्ट है ना, थोड़ा सा इधर मोटा लग रहा है तो इधर भी बराबर कर दीजिए। ये परफेक्ट है, मैं निकाल के भी इसको आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा पेस्ट रखा, अब इसको परफेक्ट, ठीक है ना। इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दीजिए। सो मैंने ये रेडी कर लिया है, ठीक है। अब आप भी अपने वहाँ बनाइए। और वैसे भी इसमें पता है मैंने क्या क्या डाला है, जैसे कि चना का दाल है और नमक है, हल्दी है, प्याज है, धनिया की पत्ती है, हरी मिर्ची है और थोड़ा शिमला मिर्चा है। मुझे शिमला मिर्च बहुत चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरी एक ही बच्ची है, मेरे पति भी बच्चे ही जैसे, इसलिए मैंने बोल दिया बच्चों में को बहुत अच्छा लगता है। और मैं वीडियो थोड़ा धीरे बना रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरी हमारा ट्यूशन पढ़ रही है, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया ना। वैसे अगर ये चीज़ आपके वहाँ नहीं हो, बहुत लोगों के वहाँ लकड़ी वाला होता है, तो हम प्लेट से भी उसको राउंड राउंड करेंगे ना तो भी हो जाता है, ओके। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। ये देखिए लोई मैंने रखा हुआ है, ठीक है। ये ना चावल का आटा मैं पिसा नहीं पाती हूँ, ठीक है। कभी मोटा कभी पतला कर देता है। तो ये चावल का आटा ना मैंने ऑनलाइन मंगाया है, वाकई मतलब इतना सॉफ्ट है ना कि बाय गॉड मज़ा आ गया। ये देखिए पता है ये चिड़िया है, मेरी मायरा और बच्ची को बहुत पसंद है, तो मैं वो ऐसे ऐसे करके बनाती हूँ। आप ही जानते हैं कि कैसे बनता है। अभी मेरा फारा बन रहा है, इसका भाप बाहर निकल रहा है, इसके ऊपर लोहे का रखते हैं बट वो अभी कहीं मिल नहीं रहा है। तो कमेंट में आप बताइए आप कैसा फारा बनाते हैं, मतलब इस पेस्ट में आप क्या क्या डालते हैं, ठीक है। वैसे एक प्लेट वाला मैं आपको दिखाती हूँ लाइव। मेरी मम्मी पता है हाथ से ऐसे राउंड, जैसे लिट्टी विट्टी का बनता है ना, हाथ से ऐसे लोई करके। मेरी मम्मी कहती है ये बहुत झाम है और इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरी मम्मी क्या करती है ना, और ये देखिए मैंने लोई रख लिया है, ये प्लेट है, हल्का सा करना है, कहीं मुझे लग रहा है कहीं ये बिगड़ गया हो, नहीं इधर इधर भी थोड़ा सा है, जैसे पॉलिथीन थोड़ी छोटी है ना तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। ये देखिए ये भी बहुत बेस्ट है। ये बेलने से ये होता है ना, कभी कभी हमारे हाथ दाएँ बाएँ बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो इसी के वजह से मैंने ये ट्रिप आजमाया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो बहुत अच्छा। देखिए कितने प्यारे, इतने सॉफ्ट, इतने प्यारे हैं ना, आप देख सकते हैं इतने प्यारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, अभी तो हमारे हो रहे हैं, इसमें और भरते हैं, मतलब मैंने थोड़े कम भरे हैं क्योंकि मुझे लगता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भरने से थोड़े दिक्कत हो, तो इसीलिए मैंने थोड़ा कम भरा है। और ये जानते हैं ये मैंने गर्म पानी लिया है, गर्म पानी कढ़ाई में बॉईल किया, उस पर थोड़ा सा तेल डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, क्योंकि मेरी हमारा चिड़िया खाती है तो थोड़ा नमक रहेगा तो अच्छा लगेगा। और मैंने उसी से पलटे से ही उसको चलाया है, बहुत मेस किया है और बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा। मतलब ये मैं कितनी बार बनाई हूँ बट आज कुछ अलग मैंने अपना माइंड लगा कि कुछ अलग ट्राई किया है, तो शायद मुझे लग रहा है कि अच्छा बन जाए। सो प्लीज़ थैंक यू, आप भी बताइए ना, कुछ कमेंट में बताइएगा आप क्या ये आपको आसान लग रहा है
या फिर हाथ वाला आसान लगता है या फिर बेलन वाला आसान लगता है। ओके बाय गाइस, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़।